और इस बीच अगली खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और इसी ऑपरेशन में दो आतंकी अब तक ढेर किए जा चुके हैं। लेकिन ये आतंकी लगातार जानकारी मिल रही है कि घने जंगलों में छिपे हुए हैं, वहीं पर इन्हें खोजा जा रहा है ताकि ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम पूरे जबरदस्त तरीके से दिया जा सके। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आतंकिस्तान के गुर्गों पर अब भारतीय सेना डबल अटैक कर रही है। एक एक आतंकी को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। कुलगाम हो या कुपवाड़ा, किसी हाल में आतंकी घुसपैठ को अब बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी में आतंकी नेटवर्क को साफ कर चुकी भारतीय सेना अब जम्मू में भी ऑपरेशन चला रही है और आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचा रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। लगातार दूसरे दिन भी भारतीय सेना के जवान आतंकियों को अपनी बंदूक के निशाने पर लिए हुए हैं। घुसपैठ की नापाक कोशिश कर रहे आतंकिस्तान के गुर्गों को ढेर कर रहे हैं भारतीय सेना के जवानों। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के जवानों ने अब तक दो आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, तो वहीं आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारी सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। दरअसल आतंकी पिछले कुछ समय से ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ का नापाक ख्वाब देख रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने उनके ख्वाबों पर पानी फेर दिया। मंगलवार शाम जैसे ही आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, पहले से ही चौकस जवानों ने आतंकियों को बीच रास्ते में ही रोक लिया और इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही दहशतगर्दों को अपने अंजाम का अंदाजा हुआ, वो छिप गए। लेकिन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने की जिद पर अड़े सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर दो आतंकियों को ढेर कर दिया। दक्षिण कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। भारतीय सेना का एक एनसीओ भी इसमें घायल हुआ है। बता दें कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा का एक नया ग्रुप माना जा रहा है, जो हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमीं पर पहुंचा है और इसमें 6 से 7 आतंकी शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर अब सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश कर घुसपैठियों को भारतीय सरजमीं पर भेजा जा रहा है ताकि माहौल को खराब किया जाए, इस बीच सेना का ऑपरेशन ऑल लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक ये एनकाउंटर कुपवाड़ा के त्रुमखान इलाके में हुआ, जहां से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को सेना ने एलओसी के पास त्रिमुखा टॉप पर घेर लिया, जिसके बाद घबराए आतंकियों ने बचने के लिए गोलीबारी की, लेकिन सेना के जवानों की फायरिंग ने आतंकिस्तान के गुर्गों को बैकफुट पर ला दिया और धीरे धीरे आतंकियों पर शिकंजा कसते हुए दो आतंकियों को वहीं गाड़ दिया। इतना ही नहीं, सेना के जवान आतंकियों के साथ साथ उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त करने में लगे हैं। पूरे इलाके में सेना के जवानों ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने सांबा जिले से स्थानीय लोगों को कुएं में मिली 49 गोलियां और 303 राइफल की गोला बारूद को बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस और बीएसएफ जांच में जुट गई है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी घटनाएं आतंकियों के बौखलाने का सबूत है और इस तरह से सेना ने घाटी से आतंकियों को खदेड़ा है। वैसे ही जम्मू में भी इनके पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसकर आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। हालांकि आतंकी लगातार अपने नापाक परस्तों के इशारे पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार कोई भी आतंकी बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास। पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानूनों का प्रावधान। गड़बड़ी करने वालों को 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान भी। नीट यूजी परीक्षा रद्द करने से इनकार करने पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा फैसले पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक ही सेंटर में इतने बच्चे कैसे पास हो गए, ये बड़ा सवाल है। पेपर लीक मामले को लेकर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, कहा कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई सिस्टमैटिक लीक नहीं था, परीक्षा दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पटना में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, प्रतिबंधित इलाके में बिना इजाजत के प्रोटेस्ट किया, कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। हालात बिगड़ने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं पर पुलिस ने की पानी की बौछार, महंगाई, अग्निवीर योजना समेत कई मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कर्मचारी। पंजाब के पठानकोट में देखे गए 7 संदिग्धों ने गांव की एक महिला से मांगा था पानी, जानकारी मिलने के बाद में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है।
गुजरात के डांग में भारी बारिश, उफान पर जीरा झरना और बढ़ते जलस्तर से प्रशासन अलर्ट। गुजरात के नवसारी में भारी बरसात की वजह से बिगड़ते हालात देखे गए, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, लोग बड़ी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में दोनों सरकारों से नाम मांगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह के घर पर ईडी का छापा, विधायक के बेटे पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। विवाद में फंसने के बाद पिछले 5 दिनों से लापता पूजा खेड़कर, अभी तक पुलिस को नहीं मिली लोकेशन, तलाश लगातार जारी है। सहारनपुर में शिव भक्तों ने किया हंगामा, कांवड़ खंडित करने का आरोप, लगातार तोड़फोड़ की है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में कांवड़ियों का आना शुरू हो चुका है, कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। और अब बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। आपको बता दें कि बाढ़ और बारिश की वजह से कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरीके से सैलाब में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, कई ऐसे घर हैं कई राज्यों में जो जल समाधि ले चुके हैं, और चाहे वो इंसान हो या जानवर, इस बाढ़ और बरसात की वजह से हर कोई हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, हर जगह बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। जुलाई में मॉनसून का आफतकाल हर किसी को हलकान किए हुए है। मध्य प्रदेश में बादलों का विद्रोह नजर आ रहा है, सूरत पानी पानी है, और द्वारका में भारी बारिश से मकान गिर रहे हैं। कहीं पहाड़ तोड़ आफत है तो कहीं मुसीबत मूसलाधार, इंसान तो इंसान जानवर भी हो रहे हैं हल्का। मॉनसून की डरावनी रफ्तार का कहर पश्चिमी गुजरात पर बरपा है, पूरे सौराष्ट्र में बारिश से हाल बेहाल है, अधिकतर जिले बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा द्वारका को भुगतना पड़ा। यहां पर 1 3-मंजिला इमारत बारिश के चलते ढह गई, आशंका जताई जा रही है कि मलबे में 3 लोगों की दबने से मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है, लेकिन आसमान से बरसती आफत के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी हो रही है। सूरत की सूरत भी कुछ ऐसी ही है, यहाँ पर भारी बारिश के चलते सड़कें दरिया बन चुकी हैं, गाड़ियाँ पानी में डूब गई हैं, जगह जगह जल जमाव है। 1 दिन में 9.5 इंच बारिश से घरों से लेकर मंदिर तक को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। सूरत में इस वक्त 500 से ज्यादा परिवार बाढ़ जैसे हालात को झेलने को मजबूर हैं। दिनों से भरा हुआ है अभी, और ये पीछे से आ रहा है, यहाँ की बारिश से तो इकट्ठा होता ही नहीं है, ये पीछे के पानी आ रहा है, पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है, ये पीछे कौन सी खाली से पानी आता है, कहाँ से नहीं आता, हमको भी पता नहीं। भारी बारिश से गुजरात के ही कच्छ में बाढ़ के हालात, ज्यादातर नदियाँ उफान पर है, जिसमे बेजुबान जानवर बहते नजर आ रहे। ये तस्वीर अबदासा में संगमा नदी के पास की बताई जा रही है। भरूच में लगातार हो रही बारिश के चलते निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जर्जर मकान जमींदोज हो रहे हैं, तो लोग अपने घर को छोड़ किसी सुरक्षित स्थान की तरफ चले गए हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हवाई सर्वेक्षण करने पहुंचे, नुकसान का आकलन करने के लिए जूनागढ़ के पास गिर सोमनाथ जिले की स्थिति का जायजा लिया। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है, लेकिन दमोह की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह है। तस्वीर मड़ियादो की है, जहां बरसाती नाले में अचानक बाढ़ का पानी आने से बाइक सवार बह गए, लोगों ने समय रहते उन्हें देख लिया और दोनों बाइक सवारों की जिंदगी बचाई। इतना ही नहीं, कई इलाके तो जलमग्न हो चुके हैं, घरों में बारिश के पानी की घुसपैठ हो चुकी है, लोगों के घरों में रखा सामान बर्बाद हो रहा है, तो वहीं लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है,
और यही वजह है कि जहां पहले गाड़ियां रफ्तार भरती थी उस पर नाव चल रही है और लोगों का रेस्क्यू जारी। अब जरा कटनी का हाल भी देख लीजिए, यहां 10 से ज्यादा घरों की जल समाधि बन चुकी है, लोग छत पर फंसे हैं, पुलिस और स्थानीय प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने परिवार के साथ सुरक्षित बाहर निकल सके। सिर्फ मैदान ही नहीं, पहाड़ी इलाकों में स्थिति विकराल है। उत्तराखंड में जगह जगह बारिश के साथ भूस्खलन की घटनाएं बढ़ चुकी है। देहरादून में लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का मलबा गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आ गिरा और इसकी वजह से यातायात बाधित हो गया। तस्वीर से साफ है कि आसमान से पानी के रूप में आफत बरस रही है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाकों में तबाही मची हुई है और जुलाई में ये बारिश का आपातकाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।